नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक और गुणकारी औषधि वनस्पति के बारे में जानेंगे जिसका नाम है विडंग या वायविडंग। विडंग के बहुत सारे फायदे आपको मिल सकते हैं अगर आपको इसकी पूरी जानकारी हो और सही तरीके से आप इसे इस्तेमाल करें। आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों में जैसे चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है या राज निघंटु है, भाव प्रकाश निघंटु है, तो इन ग्रंथों में इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। जैसे इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, यानी इसके औषधि गुणधर्म क्या है, इसका शरीर के वात पित्त कफ इन दोषों पर क्या असर है, धातुओं पर क्या असर है, अलग अलग अवयवों पर, अलग अलग सिस्टम्स पर इसका क्या असर है, इसे लेने की विधि, इसकी मात्रा ये कैसी है, इसके क्या क्या फ़ायदे हमें मिल सकते हैं, तो इनकी पूरी जानकारी इन ग्रंथों में दी हुई है। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। विडंग इस शब्द का संस्कृत में अर्थ है विडति भिन्नति कृमि नीति विड भेदने, यानी जो कृमि का नाश करता है तो वो विडंग है। कृमि ये शब्द आयुर्वेद में सिर्फ वर्म्स के लिए, यानी इंटेस्टिनल वर्म्स जो पेट के कीड़े हैं, सिर्फ उसी के लिए यूज़ नहीं किया है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल इन दोनों तरह से है। तो शरीर में अगर कोई भी इन्फेक्शन है जैसे बैक्टेरियल इन्फेक्शन, तो उसके लिए भी कृमि ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो विडंग ये जो औषधि है ये दोनों तरह से काम करती है, यानी एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। तो इसके बाकी भी जो संस्कृत पर्यायी नाम है उसमें इसे कृमिघ्न, कृमिजित या फिर जंतुनाशन, जंतुघ्नि, इस तरह से नाम भी इसी को इंडिकेट करते हैं, ये कृमि का नाश करता है। इसके अलावा इसे चित्र तंडुल कहा जाता है, यानी इसके बीजों पर छोटे छोटे सफ़ेद दाग होते हैं, तो इसलिए इसका ये नाम भी पड़ा है। इसके अलावा इसे वेल, अमोघा, इस तरह के संस्कृत पर्यायी नाम भी दिए गए हैं। अलग अलग भाषाओं में विडंग के अलग अलग नाम बताए जाते हैं, जैसे मराठी में इसे वाउडिंग कहा जाता है, पंजाबी और गुजराती में इसे बाउडिंग कहते हैं, बंगाली में इसे विडंग कहते हैं, हिंदी में इसे बाय विडंग कहा जाता है। तो इस तरह से अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग भाषाओं में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो इसका लैटिन नेम है वो है एम्बेलिया रिब्स, और इसकी जो फैमिली है यानी इसका जो कुल है वो विडंग कुल है। इसका इसके जो फल होते हैं तो इन फलों का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। भाव प्रकाश निघंटु इस ग्रंथ में हमें विडंग के बारे में एक बहुत ही सुंदर श्लोक मिलता है, तो उसमें कहा गया है विडंग कटु तीक्ष्णोष्णम वृक्षम वंधी करम लघु शूल आत्मान उदर श्लेष्म कृमि वात विबंधनुत। चलिए अब इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। तो सबसे पहले विडंग की जो औषधि गुणधर्म है यानी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। तो इसका जो रस है वो कटु रस है, यानी इसका जो स्वाद है वो तीखा स्वाद है। इसका वीर्य यानी इसकी तासीर जो है वो उष्ण वीर्य, यानी ये गर्म स्वभाव की औषधि है। इसके जो मुख्य गुण बताए हैं तो उसमें लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण गुण बताए हैं। लघु यानी ये हल्का है, यानी पचने में हल्का है। रुक्ष यानी शरीर में रूखापन उत्पन्न करने वाला है, इसमें तीक्ष्णता है। और इसके अलावा इसका जो प्रभाव है ये कृमिघ्न है, यानी इसके प्रभाव के कारण ये शरीर में कृमि का यानी जंतुओं का भी ये नाश करता है। आचार्य चरक ने इसे कृमिघ्न द्रव्यों में यानी कृमि को नष्ट करने की औषधियों में सबसे श्रेष्ठ माना हुआ है। अब देखते हैं कि शरीर के वात पित्त कफ इन दोषों पर विडंग का क्या असर हमें दिखाई देता है। तो इसका जो तीखा रस है या इसका जो लघु रुक्ष गुण है यानी इसमें हल्कापन है, रूखापन है, इसकी तीक्ष्णता है, इसका जो उष्ण वीर्य है यानी गर्म तासीर है, तो इन सभी के वजह से ये कफग्न है यानी शरीर में कफ दोष को कम करता है। इसका जो उष्ण वीर्य है उसके कारण ये वात को भी कम करता है लेकिन पित्त को बढ़ा सकता है। तो इस तरह से शरीर में अगर कफ और वात से संबंधित बीमारियाँ है तो इसमें विडंग के फायदे हमें मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हमें मिल सकते हैं। विडंग जंतुघ्न है यानी कृमि का इन्फेक्शन का नाश करने वाला है। तो ये कृमि दंत में यानी डेंटल डिके है किसी को या फिर पेन है, कैविटी है, तो यानी जैसे दांतों में सड़न है, वहाँ पे दर्द है, तो इसका इस्तेमाल आप वहाँ पे कर सकते हैं।
तो इसमें इसका काढ़ा बना के, वो जो काढ़ा है उसका गंडूश हमें करना है, तो काढ़े को मुंह में पकड़ के रखना है या फिर उससे गार्गल करना है, तो इसका लोकल इफेक्ट भी आपको वहाँ पे मिलेगा, जो सड़न है, जो इन्फेक्शन है उसको कम होने में आपको इसकी मदद मिलेगी। दूसरा इसका जो फ़ायदा बताया गया है वो है कुष्ठग्न यानी त्वचा विकारों में, चर्म रोगों में ये हमें फ़ायदा देता है। तो इसका जो चूर्ण है उसको आप थोड़ा पानी में मिला के उसकी पेस्ट जो है वहाँ पे उसका लेप आप वहाँ कर सकते हैं, तो चर्म रोगों को कम करने में भी हमें फ़ायदा देता है। ये इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, इंटरनली भी आप जब इसे लेते हैं तो इसका त्वचा विकारों में हमें इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। अगर किसी को बार बार सर्दी की तकलीफ रहती है, बार बार अंदर कफ जमा रहता है और इससे तकलीफ होती है, तो इस समय पे ये जो विडंग है वो वहाँ पे फ़ायदा देता है, यानी इसे आयुर्वेद में जीर्ण प्रतिशा या पीनस कहा गया है। यहाँ तक कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा उसके वजह से सिर दर्द होता है या सिर से संबंधित भी काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं, तो इसमें भी इसका फ़ायदा हमें वहाँ पे मिलता है। तो इसके लिए क्या करना है, तो विडंग का जो चूर्ण है या विडंग का जो तेल है तो उसका नस्य किया जाता है, यानी नाक के द्वारा ये औषधि अंदर पहुँचाई जाती है। तो इसका शिरो विरेचन कार्य हमें बताया हुआ है, इसकी तीक्ष्णता है, तो इस तीक्ष्णता के कारण अंदर जमा जो कफ है तो उसको शरीर के बाहर निकालने में ये मदद करता है। तो इसके साथ ही ये जो दर्द है यानी सिर में दर्द है तो वो भी कम होता है, आपको हल्कापन महसूस होता है। यहाँ तक कि जो इसका तेल है उसको यहाँ पे मालिश करने के लिए हल्की हल्की जेंटली आप मसाज वहाँ पे कर सकते हैं, तो उसके कारण भी जो सिर दर्द है वो कम होने में मदद मिलती है। अब देखते हैं कि विडंग के पाचन संस्थान पर यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका क्या असर, क्या क्या फ़ायदे हमें मिल सकते हैं। तो ये अग्निदीपन करने वाला है यानी जठराग्नि को बढ़ाने वाला है। इसके साथ ही ये आम का पचन करने वाला है यानी आम दोष। देखिए हमने काफ़ी सारे वीडियोस में इसके बारे में देखा है कि जब भी पचन अच्छे से नहीं होता, अग्नि आपका अगर कमज़ोर है और शरीर में अगर अपचित अन्न रहता है यानी अनडाइजेस्टेड फूड है, तो उसी को आयुर्वेद में आम दोष कहा गया है और ये एक विषैला तत्व है जो हमारे लिए नुकसान दायक है। तो इस आम का पचन करने वाला है, तो ये अग्नि को बढ़ाता है, आम का पचन करता है। तो इस तरह से जिनको ये अग्निमंद है या जिनको अजीर्ण से संबंधित अगर कोई बीमारी है तो वो लोग इसका सेवन कर सकते हैं, उनको इसका फायदा जरूर मिलेगा। इसके साथ ही ये वातानुलोमन करने वाला है यानी वात की जो प्राकृत गति है तो उसको करने वाला है। तो जिनको भी पेट में फूलापन है, गैसेस है, पेट में दर्द रहता है, तो वो लोग इसका सेवन कर सकते हैं, उनको भी इसके फायदे जरूर मिलेंगे। इसके अलावा जैसे विडंग है, ये कृमिघ्न है यानी वर्म्स के लिए, इंटेस्टिनल वर्म्स के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। तो इसके लिए विडंग का जो चूर्ण है तो वो आप पाव से आधा चम्मच इसका चूर्ण आपको खाली पेट लेना है। दिन में दो बार आप इसे ले सकते हैं, तो सुबह तो खाली पेट आप ले ही सकते हैं, शाम को भी जब 5-6 बजे आपको अच्छी खुल के भूख लगती है तो उस समय पे भी आपने इस चूर्ण को लेना है। इसे आप शहद के साथ ले सकते हैं, गुड़ के साथ या फिर गर्म पानी के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। और रात को सोने के पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण या फिर 2 चम्मच एरंड का तेल आप ले लें, ताकि दूसरे दिन पेट भी साफ हो जाएगा और उसके साथ ये जो कृमि है वो भी शरीर से बाहर निकलने लगेंगे। अगले वीडियो में पेट के कृमि को यानी जो पेट के कीड़े हैं उनसे आप हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पा सकते हैं, इसमें आप घरेलू चिकित्सा क्या कर सकते हैं, इस पर हम डिटेल वीडियो लेके आ रहे हैं, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। विडंग रक्त शुद्धिकर है यानी शरीर में खून को ये साफ करता है, तो खून से संबंधित जितनी भी बीमारी है तो उसमें ये मदद करता है। इसके अलावा ये वर्ण है यानी त्वचा का जो वर्ण है, कॉम्प्लेक्शन है, उसको निखारता है। तो इस तरह से इसका वर्ण ये फायदा भी हमें मिलता है। इसे कुष्ठग्न बताया है यानी ये सभी त्वचा विकारों में, चर्म रोगों में काम करता है। तो ये क्यों काम करता है, देखिए काफ़ी सारे जो चर्म रोग है तो उनके कारण को अगर हम देखते हैं तो जब भी शरीर में अग्निमांद है या फिर अजीर्ण है तो उसके कारण जो विकृत कफोदोष उत्पन्न होता है, तो वो जो कफ है वो त्वचा में आश्रय लेके वहां पे त्वचा से संबंधित बीमारियां उत्पन्न करता है। तो ये जो विडंग है वो आपके पचन क्रिया को ही सुधारता है, अग्नि को बढ़ाता है। तो इस तरह से इसका फायदा हमें त्वचा विकारों में मिलता है। मस्तिष्क दौर्बल्य यानी अगर किसी को ब्रेन से संबंधित कोई बीमारी है और उसके कारण वात व्याधि है, जैसे किसी को अगर झटके आते हैं या फिर पक्षाघात है यानी पैरालिसिस होता है, तो इसमें भी विडंग के फायदे हमें मिलते हैं। तो इसमें विडंग है, लहसुन है, उसमें दूध को
उसमें उबाल के उसका जो क्षीरपाक है उसका सेवन हमने करना है। देखिए क्षीरपाक कैसे बनाना है, हमने देखा था जो अर्जुन क्षीरपाक का वीडियो हमने बनाया था, तो उसमें क्षीरपाक विधि से औषधियों के गुणधर्म उस दूध में कैसे उतारना है, उसका फायदा कैसे करके लेना है, ये भी हमने उस वीडियो में देखा था। तो आप इस तरह से ये जो विडंग है, लहसुन है, इसको दूध के साथ उबाल के, उबालते समय उसमें पानी भी डालना है, और जब वो पानी पूरी तरह से वो उबल के निकल जाए, यानी ये जो औषधियाँ है इसके गुणधर्म उस दूध में उतर जाए, तो उस दूध को छान के फिर लेना है। इसे क्षीरपाक कल्पना आयुर्वेद में कही गई है। तो इस तरह से औषधियाँ भी आपको मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों में मदद करती है। विडंग का मूत्र जनन इस तरह का कार्य भी दिखाई देता है, यानी ये यूरिन का फ्लो क्लियर करने में मदद करता है। तो अगर किसी को यूरिन से संबंधित तकलीफ है, पूरा फ्लो क्लियर नहीं होता या फिर जलन है, तो वो लोग विडंग का सेवन कर सकते हैं। विडंग एक बहुत अच्छी रसायन औषधि है, ये धातु वृद्धि करने वाली है, यानी शरीर के जो धातु है तो उनको बढ़ाने वाली है। इसके साथ ही दुर्बलता को कम करने वाली, अगर किसी को वीकनेस है तो उसको कम करने वाली है। बच्चों की भी काफ़ी सारी बीमारियों में ये मदद करती है, जैसे अगर बच्चों को वर्म्स है यानी पेट में कीड़े हैं तो ये मदद करेगी, उनको अगर भूख ठीक से नहीं लगती तो मदद करेगी, अगर उनको कोई त्वचा विकार है या खून से संबंधित अगर कोई बीमारी है तो उसमें भी ये मदद करेगी। इस तरह से बच्चों में भी हम इसे दे सकते हैं। श्वास काश में, यानी अगर किसी को खांसी है, कफ जमा हुआ है, उसके कारण आप ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, यानी ब्रेथलेसनेस है, तो उसमें भी विडंग फायदा हमें दिलाता है। तो विडंग का जो चूर्ण है तो इसे आप ले सकते हैं। तो विडंग का चूर्ण लगभग पाव चम्मच, इसे आप शहद के साथ ले सकते हैं, तो सर्दी खांसी में भी आपको आराम होगा। जिनको पेट ठीक तरह से साफ नहीं होता तो वो लोग भी विडंग का चूर्ण है, उसमें अजवाइन का चूर्ण, ये आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। तो विडंग का चूर्ण पाव चम्मच और उसमें आप अजवाइन का चूर्ण आधा चम्मच डाल के आपने इसे गर्म पानी के साथ लेना है, तो इससे पेट भी साफ होने में मदद मिलेगा। अगर किसी को कृमि है पेट में, वर्म्स है, तो उससे भी कम होने में ये जो विडंग है और अजवाइन है ये आपको फायदा दिलाएगा। अगर किसी को प्रमेह है यानी डायबिटीज है, तो उसमें भी विडंग के चूर्ण को आप हल्दी है, सौंठ है, या फिर आप उसमें मुलेठी है, गोक्षूर है, तो इनका समभाग में लेके इसका काढ़ा बना के उस काढ़े को आप शहद के साथ भी सेवन कर सकते हैं, तो प्रमेह इस व्याधि में भी इसका फायदा मिलता है। अब देखते हैं कि विडंग की मात्रा कितनी हो, यानी कितने डोज में आपने इसे लेना है। तो देखिए इस तरह से विडंग के फलों का हमने इस्तेमाल करना है। जो ये जो विडंग है तो ये आपको आयुर्वेदिक फार्मेसी में या फिर पंसारी के दुकान पे भी आपको ये मिल सकती है, तो आप देख सकते हैं, आपको ये इजीली मिल जाएगी। इसका चूर्ण आप बना के रख सकते हैं, ये आराम से घर पे भी आप बना सकते हैं। जस्ट आपने इसे मिक्सर में अगर आप बारीक करते हैं तो इस तरह का चूर्ण बन जाता है। तो ये जो चूर्ण है इसकी मात्रा 1 से 3 ग्राम तक आप ले सकते हैं। बच्चे अगर छोटे हैं तो इनको बहुत ही कम मात्रा में, यानी पाव चम्मच से भी कम की मात्रा में, लगभग 1 ग्राम की मात्रा में आपने उन्हें देना है। और अगर अवस्था के अनुसार भी इसका डोज हम बढ़ा सकते हैं तो 5 से 10 ग्राम तक भी इसे दिया जा सकता है। तो इस तरह से चूर्ण की मात्रा है, हमने जैसे पहले देखा कि आप शहद के साथ है, गर्म पानी के साथ है, गुड़ के साथ आप इसे ले सकते हैं। इसका जो काढ़ा है, यानी इनको पानी के साथ उबाल के इसका जो काढ़ा बनेगा या फिर तैयार भी काढ़ा मिलता है, तो उस काढ़े को हमने 10 से 20 ml की मात्रा में हम ले सकते हैं। या फिर जो विडंग अरिष्ट है वो बच्चों में भी जैसे 5 से 10 ml या फिर बड़ों में 15 से 20 ml की मात्रा में ये जो विडंग अरिष्ट है इसका भी उपयोग किया जा सकता है। इसके बहुत सारे औषधि कल्प भी आते हैं, जैसे विडंग आदि चूर्ण है, विडंग लोह है, विडंग अरिष्ट है, तो इस तरह से अलग अलग औषधियां बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से विडंग एक उत्तम कृमिघ्न यानी कृमि का नाश करने वाली, अग्नि को बढ़ाने वाली, आम का पचन करने वाली, वात का अनुलोमन करने वाली, खून को साफ करने वाली, त्वचा विकारों में मदद करने वाली, शरीर का बल बढ़ाने वाली और रसायन औषधि है। तो इस तरह से बीमारियों को दूर करने के लिए और हमेशा स्वस्थ रहने के लिए भी आपको मदद करती है। उम्मीद है ये वीडियो इन सब जानकारी को पाने के लिए आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।